सिर्फ 1:10 हुए हैं और गर्मी इतनी तेज़ है कि बस पसीने छूट रहे हैं। लगभग 3 महीने पहले मैंने लास्ट व्लॉग अपने इस यूट्यूब चैनल पर डाला था और ये 3 महीने के बाद मैं दोबारा से व्लॉग शूट कर रहा हूँ। इतने लंबे टाइम के बाद इतना लंबा आलस, बट मेरे ये बात समझ में नहीं आती कि इतना आलस इंसान की ज़िंदगी में अच्छा नहीं है। 3 महीने बहुत होते हैं भाई, 3 महीने तक कोई व्लॉग नहीं डाला, कोई वीडियो नहीं बनाई, लेकिन अब जाके मैंने फिर स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों जैसा कि अभी मैं इस वीडियो को धूप में बैठकर शूट कर रहा हूँ इसलिए मेरे पसीने छूट रहे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूँ बिलाल खान और आप देख रहे हैं बिलाल खान व्लॉग्स। अमेज़ॉन की वेबसाइट के थ्रू मैंने कुछ प्रोडक्ट्स बुक किए थे, वो आज मुझे मिल चुके हैं और मैं इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ उन चीज़ों को मैं शेयर करूँ। वैसे तो मैंने एक टी शर्ट मंगाई है और एक परफ्यूम। एक्चुअली ज़्यादातर तो मैं अपनी शॉपिंग दिल्ली जाकर शॉपिंग मॉल के थ्रू दिल्ली में जाकर करता हूँ। लॉकडाउन की वजह से कहीं पर भी आना जाना नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमारे पास सिर्फ चॉइस है कि हम ऑनलाइन बुक कर लें या अपनी लोकल मार्केट में जाकर ख़रीदें। लोकल मार्केट से मैंने पिछले महीने एक परफ्यूम ख़रीदा था, ओरिजिनल बोलकर लोकल दे दिया था, उसके अंदर सिर्फ गैस थी, उसके अंदर गैस के अलावा कुछ था ही नहीं। तो मैंने एक ऑनलाइन अमेज़ॉन की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन एक परफ्यूम बुक किया और एक अपने लिए टी शर्ट। हालांकि मैंने और भी प्रोडक्ट्स बुक किए हैं और भी ऑन द वे हैं, आने वाले हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ। ये रहा हमारा वो पैकेट जिसमें हमारा सामान आया हुआ है। भाई ये बक्सा तो इतना बड़ा दिया है उन्होंने पैक करके, जबकि मैंने एक टी शर्ट और ओनली एक परफ्यूम मंगाया है। अमेज़ॉन का सेलर चाहता तो वो छोटे पैकेट में भी मुझे दे सकता था। चलिए इसको खोल कर देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर है। आहा, ये रहा परफ्यूम। वाओ, ये रहा अपना परफ्यूम। सिग्नेचर का परफ्यूम मंगाया है मैंने, एक्स सिग्नेचर 25% बिगर। ओके, इसको हम अभी इस्तेमाल करके देखेंगे। इससे पहले टी शर्ट का और हम थोड़ा देख लें। टी शर्ट, ओहो ये रही हमारी टी शर्ट, किस चीज़ में फंसी हुई है भाई। हाँ ये रही टी शर्ट, मैक्स कंपनी की है। क्योंकि मैं जब भी दिल्ली जाता हूँ तो अपने मेरे नज़दीक पैसिफिक मॉल है तो वहाँ पर मैक्स का बहुत बड़ा शोरूम है, तो वहाँ से मैं मैक्स के कपड़े ख़रीद लेता हूँ और भी जो अच्छा लगता है जो भी ब्रांड वो ख़रीद लेता हूँ। लेकिन मुझे शोरूम या मॉल में जाकर ही परचेजिंग करना अच्छा लगता है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे फ्री होते हैं कोई भी प्रोडक्ट उठाने में, देखने में, खोलने में, बांधने में। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जितना चाहें, जितना मर्ज़ी चाहें, जितनी बार चाहें ट्राई कर सकते हैं, इसलिए वो मुझे चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ये रही टी शर्ट, अभी हम आपको पहन कर दिखाएंगे। ये बक्सा है, बक्से के अंदर और कुछ भी तो नहीं है, सिर्फ एक बिल निकला हुआ है। ओके, बिल का कुछ करना नहीं है, ये लव लेटर इसके अंदर हम डाल देते हैं। इसको यहाँ डाल दिया। ओके, एक बैड न्यूज़ ये है कि मेरा वीडियो को शूट करते करते मेरा माइक ख़राब हो चुका है और आप इस वीडियो का ये पार्ट मैं विदाउट माइक यूज़ कर रहा हूँ और हो सकता है आवाज़ आपको बहुत ही हल्की सुनाई दे रही हो, लेकिन कोशिश करूँगा मैं इस वीडियो में जितना भी इस वीडियो को शूट करूँ थोड़ा ज़ोर से बोलूँ और फ़ोन के साथ में, फ़ोन के इंटरनल माइक के साथ में मेरी वीडियो कम्प्लीट हो जाए। तो बात ये थी कि बात तो आपसे मुझे बहुत ज़्यादा करनी थी क्योंकि लगभग 3 महीने के बाद ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और यूट्यूब पर डाल रहा हूँ और आप देख रहे हैं, लेकिन बैड न्यूज़ बैड लक फॉर मी कि मेरा ये माइक मेरी इसी वीडियो के दौरान ख़राब हो चुका है। अब मुझे एक दूसरा माइक बहुत जल्द ऑर्डर करना पड़ेगा क्योंकि मुझे वीडियो तो शूट करनी है, आपसे बात करनी है, तो मुझे माइक जल्दी ही अपना नया बुक करना पड़ेगा। ये देखिए मैंने टी शर्ट पहन ली है, ट्राई कर लिया है मैंने, लेकिन मेरे साइज़ के हिसाब से ये टी शर्ट मेरी थोड़ी सी एक नंबर बड़ी है। अब एक नंबर बड़ी होने की वजह से मैं थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल ज़रूर महसूस कर रहा हूँ,
अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑनलाइन बुक करने में और शोरूम पर या मॉल के अंदर जाने में जाकर कोई भी चीज़ परचेज करने में, खासतौर से कपड़ा परचेज करने में ये बेनिफिट रहता है कि अगर आपको लगता है कि आपके एम साइज़ आ सकता है, आपने एम साइज़ को ट्राई किया, ट्रायल में जाकर वहाँ लगा, आप देखा कि कम, एक बात बता दूँ मैं आपको, हर कंपनी का अपना एक अलग पैटर्न होता है, किसी कंपनी का साइज़ आपको एस फिट आएगा, किसी कंपनी का साइज़ आपको एम फिट आएगा। तो मुझे क्या होता है कि कभी कभी किसी कंपनी का एम साइज़ फिट आता है, किसी का एस साइज़ फिट आता है। तो इस वक्त मैंने, जाहिर सी बात है, अब तक मैंने जितनी भी टी शर्ट्स परचेज की हैं वो मेरे एम आई थी, एम साइज़ की आई थी, तो मैंने ये ऑनलाइन भी एम साइज़ की परचेज कर दी। तो अब क्या है कि ये एम साइज़ की टी शर्ट मेरे लिए आज थोड़ी एक्स्ट्रा बड़ी है, तो मुझे लग रहा था कि मुझे एस साइज़ की टी शर्ट को बुक करना था, लेकिन अब मैं नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मेरे पास ऑप्शन यह है कि मैं इसको कैंसिल मार के दोबारा से इसको एस साइज़ की बुक कर लूँ, लेकिन ये प्रोसीजर लगभग 7 दिन का है, तो मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे एडजस्ट कर लूँगा इसके साथ, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज करने के लिए टी शर्ट मंगाई थी, लॉकडाउन चल रहा है इसलिए मैं कहीं जा नहीं सकता। आमतौर से ज़्यादातर मैं अपनी शॉपिंग को दिल्ली से करता हूँ, मेरे यहाँ पर जहाँ मैं रहता हूँ दिल्ली में, वहाँ पर एक मॉल है पैसिफिक मॉल, वहाँ बहुत खूबसूरत बहुत बड़ा मॉल है, वहाँ जाकर मैं सारी अपनी शॉपिंग करता हूँ। लगभग साल में 3 बार ही जा पाता हूँ और इतना ही मैं शॉपिंग करता हूँ, और अभी लगभग 3-4 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है, मैं कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं कर पाया हूँ। तो ये मैंने पहली बार लाइफ में अमेज़ॉन की वेबसाइट के थ्रू अपनी ये टी शर्ट बुक की है। एक टी शर्ट और आने वाली है और वो भी मैंने अनफॉर्चुनेटली एम साइज़ बुक किया है, आप देखते हैं कि वो भी मैक्स कंपनी की, ये भी मैक्स कंपनी की। तो इसके साथ में मैंने ये परफ्यूम भी बुक किया था, इसका तो खैर कोई साइज़ का लोचा ही नहीं है, बस ये हो सकता है कि परफ्यूम ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, अभी लगाया है मैंने, बहुत अच्छा है। ऑडियो इसकी अच्छी नहीं आ रही होगी, उसके लिए सॉरी दोस्तों। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, माइक की बेस्ट क्वालिटी के साथ, ऑडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय।